व्यक्ति साधना करता है तो साधना करने से उसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और वो इतनी घनीभूत होती है कि उन वाइब्रेशन में साधना करने के बाद भी जब आप भौतिक जगत में उतरते हैं तो वो प्रभावित दूसरे की निगेटिव उसमें करती है। जो अपना एक विधान दिया गया है कवच का, अपने चंडीपाठ से कवच उत्पन्न करते हैं तो वो कवच आपके साधना के द्वारा उत्पन्न हो जाता है और जैसे ही वो कवच उत्पन्न आपके अंदर हो गया है तो आप समाज के अपने दैनिक कार्यों में जाते तो जो नेगेटिव शक्तियां हैं जो आपको कुछ मन को दुख देने वाली, कोई ऐसे शब्द बोलेंगे जो भी आपको जो दुख देने वाली जो शक्तियां हैं आपको, तो वो उस एक सर्किल के अंदर आने के बाद खत्म, उनके अंदर वो भाव खत्म हो जाता है। वो जो कुछ सोच के व्यक्ति आया है कि आज हम फला व्यक्ति को ये बोलूंगा, इस तरीके से बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, लेकिन जैसे ही उसके समकक्ष वो व्यक्ति आता है तो वो सब चीजें भूल जाता है क्योंकि उसके प्रभाव में आनंदित होकर के वो सब चीजें भूल गया क्योंकि उसका मन का अपना प्रभाव। आपके अंदर एक तेज जिसको कहते हैं जो भी अपने वाणी का जो भी शब्द है तो उसको देने के बाद फिर वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ये सब निगेटिव चीज़ों से जिनने हमने अपने पहले तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई और फिर अगर बढ़ गई है तो फिर ये चीज़ें आना स्वयं में बंद हो जाती है, फिर साधक के सामने कोई ऐसी चीज़ें उत्पन्न नहीं होती, सामान्य से जीवन हो जाता। कोई भी व्यक्ति उसको कष्ट पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करेगा क्योंकि वो जैसे ही उसके सानिध्य में आया वैसे ही उसके भाव परिवर्तन हो गए क्योंकि आपके अंदर जो सत्ता है तो उसके अंदर सत्ता, वो भी सत्ता का प्रभाव उसके अंदर चला गया। आपके क्रिया क्षेत्र के जैसे वो व्यक्ति समीप आया वैसे उसके अंदर वो परिवर्तन आ जाता, स्वयं में परिवर्तन आ जाता क्योंकि आत्मा का तो स्वरूप एक ही है। लेकिन मैं एक चीज जैसे आपको बता रहा हूँ, आप